लॉकडाउन के बाद से ही मध्य प्रदेश में परिवहन सेवाओं को बंद कर दिया गया था, जिससे बस ऑपरेटरों को 3 महीने से काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसको लेकर ग्वालियर में बस संचालकों ने सरकार से 3 महीने का टैक्स माफ करने की बात कही है। इधर सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को ले जाने के लिए बस मालिकों को भुगतान किया गया था, इसलिए इनको छूट नहीं दी जा सकती। भले ही पड़ोसी राज्यों में 2.5 महीने से बंद पड़ी परिवहन सेवाओं की बसों का संचालन शुरू कर दिया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में यह संचालन अनलॉक फेज 1 खुलने के बाद भी बंद है। दरअसल बस ऑपरेटर 3 महीने यानी अप्रैल मई जून का टैक्स माफ कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बसें संचालित नहीं हुई हैं। लेकिन सरकार बस मालिकों से कोरोना संक्रमण काल में बंद हुई बसों के टैक्स वसूली के लिए दबाव बना रही है। सरकार का कहना है कि प्रवासी मजदूरों का पलायन होने के बाद उन्हें ग्वालियर से हजारों की तादाद में उनके ठिकानों पर भेजा गया है, जिसका सरकार ने उन्हें भुगतान भी किया है, इसीलिए बस ऑपरेटर को टैक्स में रियायत नहीं दी जा सकती। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की बसें बंद होने के बाद निजी बस मालिकों के हाथ में आवागमन के साधन नियंत्रित हो गए हैं। इस मामले में परिवहन विभाग का कहना है कि बस ऑपरेटर 3 महीने का टैक्स माफ करने की बात कर रहे हैं। इस बस मालिकों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है, यदि शासन इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं तो बस मालिकों का टैक्स माफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बसों के संचालन बंद होने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भैया क्या था जो अपना 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ और जो 31 मई तक लॉकडाउन चला, तो भारत सरकार के आदेश से ही गाड़ियाँ बंद थी और जो गाइडलाइन सरकार ने जारी करी उसका उन्होंने पालन किया, और हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ चली नहीं है तो टैक्स माफ़ किया जाए। बसें टैक्स के कारण नहीं चल रही हैं, क्योंकि उनकी अप्रैल और मई में लॉकडाउन के रहते कि वाहन का संचालन नहीं हुआ था। उनका ये कहना है कि हमारा कर जो है वो हमारे उस पीरियड का माफ़ होना चाहिए, उसके लिए प्रस्ताव बना के भेजा भी है शासन को, शासन में विचाराधीन है। जहाँ तक है वो इसी महीने में वो डिसीजन हो जाएगा कि 3 महीने की छूट इनको मिलना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ उनकी चली नहीं हैं, तो शासन उस पर निर्णय ले लेगा। आसपास के राज्यों ने निर्णय ले लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।